अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो आम आदमी पार्टी चुनाव में क्या करेगी। जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने आज से लोकसभा चुनाव कैंपेन की शुरुआत कर दी। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में कैंपेन लॉन्च किया। आप 6 राज्यों में चुनाव लड़ेगी, नारा दिया है। संसद में भी केजरीवाल तो दिल्ली होगी और खुशहाल। अरविंद केजरीवाल एक तरफ तो जनता से अपील कर रहे हैं कि दिल्ली में गठबंधन को वोट दे, लेकिन उनकी साथी कांग्रेस ने अभी तक ये नहीं बताया कि दिल्ली में किसे वोट देना है, क्योंकि अभी तक उनकी पहली लिस्ट नहीं आई है। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट के लिए 40 नाम पक्के हो चुके हैं और आजकल में जनता के सामने भी आ जाएंगे। इस लिस्ट पर बात करने से पहले आम आदमी पार्टी के सामने आसन्न एक संकट की बात करते हैं। एक्चुअली पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में आपने क्या कोई बैकअप प्लान तैयार किया है? 2-3 दिनों पहले एक वीडियो खूब चल रहा था। इसमें 7 लोग एक कमरे में फंसे हैं और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से अपील कर रहे हैं कि सरकार उन्हें भारत लौटने में मदद करे। माना जा रहा था कि वीडियो रूस में रिकॉर्ड हुआ है। दावा किया जा रहा था कि उन्हें धोखे से रूसी आर्मी में भर्ती किया गया। इसी कड़ी में कल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह विदेश में नौकरी दिलाने की आड़ में भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ले जाता था। जांच एजेंसी ने 13 जगहों पर छापेमारी कर 50 लाख नकद और कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त किए। एजेंसी ने कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। इस पूछताछ से क्या जानकारियां सामने आई हैं? हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद महिलाओं को समाज में समानता, सुरक्षा और बराबरी दिलवाना है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की कैंपेन थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। इंस्पायर इंक्लूजन का अर्थ है महिलाओं की अहमियत को समझने के लिए लोगों को जागरूक करना, एक ऐसे समाज के निर्माण को बढ़ावा देना जहां महिलाएं खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सके, सशक्त महसूस कर सके। कोई भी इंसान खुद को तभी सशक्त महसूस कर सकता है जब वो स्वस्थ हो और आर्थिक रूप से मजबूत हो। तो हेल्थ की बात हर हफ्ते हम अपने पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर में करते ही हैं। तो आज हमने सोचा कि महिलाओं के पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी एक चर्चा किसी एक्सपर्ट के साथ करें। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।